हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्लास 12 मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम एनसीईआरटी से। और द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन सी द क्वेश्चन कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स आपने समझ लिया होगा कि बन सकते हैं। देयर मे बी इन्फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स बिटवीन इन अ सर्कल, इस सर्कल में इन्फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, पर हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो कि मैक्सिमम है। और ये बताना है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो वो एक ही सिचुएशन में होगा, एक ही कंडीशन में होगा, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, क्योंकि देर में भी इन्फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल, इन्फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स होंगे। और रेक्टेंगल की एक ऐसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी कंडीशन होगी जब वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, व्हेन द रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर, तब इसका एरिया। लेकिन हम ऐसे इन्फाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स क्या बना बना के देखेंगे? नो, नॉट एट ऑल। हम ऐसे बना के नहीं देखेंगे, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक जनरल रेक्टेंगल हमने बना लिया। फिर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, आप ये याद रखना कि वेन एवर यू आर गिवन अ सर्कल और अ स्फीयर, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वेन एवर वी आर गिवन अ सर्कल और अ स्फीयर, इट मीन्स रेडियस इज गिवन। और इसमें आप देखें कि आपको लिखा भी हुआ है फिक्स्ड सर्कल, तो हम इसमें इसका पहले रेडियस अज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से देखें आप। और एक दूसरी बात है कि आप इसका रेडियस भी ले लें, रेडियस मान लें आप इसका कि कैपिटल आर है, इसका रेडियस है। और दूसरी चीज़ है, इसमें हमें पाइथागोरस जरूर लगानी है, उसी से हमारे क्वेश्चन का सलूशन आएगा। तो पाइथागोरस की सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हम इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। तो जब हमने इसको एक्स अज्यूम किया तो नेचुरली ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो हम इसकी लेंथ क्या लेना चाह रहे हैं, 2x। और इसी तरीके से हम इसकी ब्रेड्थ कितनी लेना चाह रहे हैं, इसकी ब्रेड्थ हम लेना चाह रहे हैं दोस्तों 2y। देख ले आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y। तो ये ऊपर का भी y होगा और नीचे का भी y होगा, ये सब हमारे ऊपर है। तो हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, लेट एल बी 2x एंड बी बी 2y, एंड ये किसके लिए, ये रेक्टेंगल के लिए है, इन रेक्टेंगल। L means length, B means breadth, and radius, radius of the circle is R. अब radius of the circle is R, and this R keep in mind that it is a constant. Why is this a constant? Because this is given. अगर ये गिवन है तो हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस इज गिवन, तो इससे पता चलता है, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन, देखें आप, इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, इसका मतलब कि जो सर्कल गिवन है, और सर्कल गिवन है इट मींस इसका रेडियस भी गिवन है, और सारी चीज़ें इसकी फिक्स है, सब कुछ हमें मालूम है, केवल रेक्टेंगल जो है वो अलग अलग साइज का हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख लें, मैं एक आपके लिए नमूने के लिए बताता हूँ, एक रेक्टेंगल ये बना दिया आपने, एक रेक्टेंगल आपने ऐसा बना दिया, कितने भी आप ढेर सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, देर में भी इन्फाइनेटली मैनी रेक्टेंगल्स, पर उन रेक्टेंगल्स में सबसे ज़्यादा एरिया वाला कोई रेक्टेंगल होगा तो वो स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना है। तो आफ्टर अज्यूमिंग ऑल दीज डाइमेंशंस, मैंने आपको कहा था कि इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी इसमें, इसको नाम दे देते हैं हम ओ, इसको नाम दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो इन राइट ट्राइंगल ओ बी ए, इन राइट ट्राइंगल ओ बी ए, आप ओ बी ए में देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, नंबर वन। अब हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, तो आप ध्यान से देख लें, मैक्सिमाइज के लिए लिखा होगा जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी, तो मैक्सिमम क्या लिखा है, एरिया, और एरिया किसका मैक्सिमम होगा, वो बोल रहा है कि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा, मतलब वो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब वो स्क्वायर बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल के एरिया से, तो रेक्टेंगल का एरिया, तो ध्यान से देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लिया ए क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी, एल का वैल्यू कितना है 2x, आप देख ले ब्रेथ 2y, तो ये आपका हो जाएगा 4xy, 4xy, और a माना हमने, फिर वही बात, इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल को हम हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ वन, तो y की वैल्यू मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो हो जाएगा 4x इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है वो आपको कोट कर देता हूँ, आप भी कोट करिएगा फ्रॉम वन। अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा टू मैक्सिमाइज ए, टू मैक्सिमाइज ए, ए को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले डी ए बाय डी एक्स निकालना होगा, तो डी ए बाई डी एक्स में फोर फर्स्ट फोर कॉन्स्टेंट बाहर, इधर प्रोडक्ट रूल एक्स का वन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस एक्स कॉन्स्टेंट रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वन बाई टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिकॉज आर इज अ गिवन क्वांटिटी, आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये था दोस्तों डी ए बाय डी एक्स, अब इसे नेचुरली सिंप्लीफाई भी करना होगा, तो मैं इसको यहीं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखिए 4 इंटू एलसीएम ले लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ बीच में आ जाएगा आपके पास माइनस, 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन इनका जो एलसीएम है, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं अभी, तो बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका एलसीएम होगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या है डी ए बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है, तो डी ए बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे और ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, पर उस कंडीशन की पड़ेगी, तो अब डी ए बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, डी ए बाई डी एक्स को जीरो से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वेट करेंगे, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो पॉइंट्स भी लिख दिया मैंने, क्या करेंगे हम डी ए बाई डी एक्स शुड बी इक्वेटेड विथ जीरो, तो डी ए बाई डी एक्स क्या है आपका डी ए बाई डी एक्स से फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट पूरे पे है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसको यहाँ भेज दें फोर को नीचे भेज दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय टू इज वॉट एक्स स्क्वायर, इससे एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं आएगा ओनली आर बाय रूट टू, एक्स डिस्टेंस है कैनॉट बी नेगेटिव, एक्स कैनॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने वो वैल्यू नहीं ली है नेगेटिव वाली, तो x इज दिस मच ओनली, तो ये x की वैल्यू आ गई जिस पे फंक्शन क्या हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, पर हमें कुछ बात खास प्रूव करना है कि इट शुड बी ए स्क्वायर, तो इसके लिए आप पीछे से यहाँ से पीछे जाएं, ध्यान से देखें, एक स्टेप पीछे गए एक दो स्टेप और यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू डाल दें, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे क्या पता चला, इससे पता चला y इज वॉट एक्स, y इज x मतलब क्या है इट शुड बी अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, लेकिन अभी हम ये सर्टेन इस बात के लिए नहीं है कि ये इसका एरिया मैक्सिमम होगा, एक एरिया मैक्सिमम तो तभी पता लगेगा जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा तभी वेरीफाई होगा कि एरिया मैक्सिमम होगा, तो नाउ टू वेरीफाई एरिया इज मैक्सिमम d2a by dx square इज इक्वल टू d by dx और हमारे पास आ जाएगा 4, उसका कैलकुलेशन है ही हमारे पास आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। अब हमें क्वोशेंट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना होगा। 4 कैन बी टेकन कॉमन बीइंग अ कांस्टेंट। अब देखिए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का 0 माइनस 4x माइनस, अब आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कांस्टेंट इनटू इसका डिफरेंशिएशन रूट का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा 0 माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब हमें x की जगह क्या रखना है दोस्तों, एट x इज इक्वल टू वॉट, तो x की जगह हमें रखना है r बाय रूट 2। x की जगह y नहीं रख सकते हैं, ये तो एक रिलेशन है x इज इक्वल टू y, वैल्यू तो इसी को कहेंगे x इज इक्वल टू r बाय रूट 2, तो x की जगह r बाय रूट 2 रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम नेगेटिव आएगी तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, तो x की जगह r बाय रूट 2 रख देंगे, तो 4 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर बाय रूट 2 स्क्वायर इंटू माइनस 4, ये है हमारे पास माइनस 4x, तो माइनस 4 इंटू आर बाय रूट 2, ये माइनस और ये माइनस कैन बी कैंसल्ड, इस माइनस से उस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर बाय रूट 2 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने इसी को 0 से इक्वेट करके निकाला था, फिर भी देख लेंगे, फिर रख के हम थोड़ी फॉर्मेलिटी भी करना ज़रूरी होती है, यहाँ रख देंगे x की जगह आर बाय रूट 2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर बाय रूट 2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो गया हमारा, ध्यान से देखें वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर बाय रूट 2 स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव है जब x की जगह हमने आर बाय रूट 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कोई खास काम रहा नहीं, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाय 2 गए तो आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट, सॉरी आर स्क्वायर बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट हटेगा तो आर बाय रूट 2, ये है आपके पास माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 4 माइनस 16 इंटू आर बाय रूट 2, ये रूट 2 रूट 2 से आप कैंसिल करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये माइनस 8 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आप देखो ये हो गया आपका 0, क्यों, क्योंकि ये 2 है और ये रूट 2 का स्क्वायर है, रूट 2 स्क्वायर और 2 दोनों कैंसिल होंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बिकम 0, तो वो वाला पोर्शन फॉरगेट अबाउट दैट पोर्शन, दैट बिकम्स 0, वो 0 हो गया। अपॉन में कितना है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है आर स्क्वायर माइनस आर आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2, अब ये हो जाएगा माइनस, ध्यान दें ये वाला 2 है, चाहो तो आप इससे कैंसिल कर दो उसको कैंसिल करने की जगह, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दें, माइनस 16 इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज मैक्सिमम, व्हेन x इज इक्वल टू y, जो मैंने आपको कहा था, व्हेन x इज इक्वल टू y, व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू r बाय रूट 2, दैट इज व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप यू वुड हैव लाइक्ड दिस क्वेश्चन और लाइक्ड दिस सॉल्यूशन, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, आप पढ़ेंगे देश बढ़ेगा, विश यू ऑल द बेस्ट।